हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आगरा यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी आगरा यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि बीएससी के फाइनल ईयर के जितने भी छात्र छात्रा जो मेन एग्जाम के थे उनका जो रिजल्ट था वो आपके यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। बीकॉम का पहले ही जारी हो गया था, बीए का रिजल्ट आपका बचा था, लेकिन अभी तक बीए का रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि भैया, हमारा जो रिजल्ट है वो ओपन नहीं हो रहा है, डीवीआरयू की मेन वेबसाइट नहीं काम कर रही है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपका रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जिस छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं उनका रिजल्ट अभी नहीं खुलेगा, उनका रिजल्ट उनके प्रैक्टिकल होने के बाद ही ओपन होगा, ठीक है। पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं। दूसरी चीज़, डीवीआरयू ने जल्दीबाजी में आपका बीएससी का जो बीकॉम बीएससी का जो रिजल्ट है वो जारी किया है, जिसके कारण उनकी जो वेबसाइट है वो क्रैश हो चुकी है, वो ओपन नहीं हो रही, आपका रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ट्राई करिए, शाम के टाइम रात के टाइम ट्राई करिए, आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट देखने में कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे आप मेरे को अपना नाम रोल नंबर भेज सकते हैं, मैं आपका रिजल्ट आपको सेंड निकाल के दे दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ बात करें कि बीए का रिजल्ट कब आएगा, तो बीए का भी रिजल्ट एक दो दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। अगर आज बीए आज शाम तक आई होप बीए का भी रिजल्ट आ जाए, अगर आज बीए का रिजल्ट नहीं आ रहा तो कल बीए के रिजल्ट आने की 80% उम्मीद जताई जा रही है। तो कल बीए या आज कल में बीए का भी रिजल्ट जारी कर देगा आपका डीवीआरयू। रिजल्ट शो होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल्स हुए हैं या नहीं हुए हैं और वेबसाइट कैसे काम कर रही है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।